कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा भार पड़ गया और आपने ध्यान नहीं दिया, भार अधिक हो रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, भाई लोड बहुत ज्यादा हो रहा है इसी कैपेसिटी से। जैसे ये 160 केजी का है ना, अब इसके ऊपर 170 का भार पड़ गया तो ये क्या करेगा, वो गर्म हो जाएगा। गर्म होकर के क्या होगा, तो फिर इसके अंदर आधा तेल भरा, आधी हवा है, तो वो तेल ऊपर की ओर उठेगा, तो हवा जो है वो इस पाइप के थ्रू यहाँ बाहर आएगी। ठीक है, तो बाहर ये लगा रखा है हमने, ये ब्रीथर, इसको कहते हैं ब्रीथर ये। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे फिट हो जाता है। तो ब्रीथर कहाँ लगता है, कंजर्वेटर के बाद। ठीक है, तो पहले तो ये लगता कहाँ है, कंजर्वेटर के बाद लगता है। और इसका काम क्या है, कंजर्वेटर जैसे ट्रांसफॉर्मर में जैसे भार पड़ा और तेल ऊपर उठा, तो उसकी अंदर की जो हवा है, आधा आधी हवा है, वो इस ब्रीथर में से होकर के बाहर निकलेगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद जैसे ठंडी होगी, तो ठंडी हवा जाने का रास्ता भी यही है, निकलने का रास्ता भी, चारों तरफ से टैंक बिल्कुल पैक है, जगह कहीं है ही नहीं हवा निकलने की। हवा निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, इस ब्रीथर के थ्रू बाहर निकलेगी हवा, नमी वाली हवा बाहर आ जाएगी। फिर थोड़ी देर जैसे ही ट्रांसफॉर्मर ठंडा होगा, फिर अंदर हवा जाएगी, तेल जैसे नीचे बैठेगा तो हवा अंदर जाएगी, वो इसके थ्रू ही जाएगी। तो ये कंटिन्यू सिस्टम चलता रहता है थोड़ी देर तक, जब तक इसमें नॉर्मल नहीं होता। जैसे आपने भार अधिक हो गया, ट्रांसफॉर्मर गर्म हो गया, आपने लोड काट दिया, हो सकता है एक मोहल्ले की लाइन कट कर दी। जनरली क्या होता है, अगर ट्रांसफॉर्मर पे भार पड़ता है या लोड अधिक पड़ गया शाम के टाइम में, तो कटौती कर देते हैं, एक एरिया की लाइटें काट दी, कम हो गया ना भार, कम हो गया, तो क्या होगा, तेल वापस ठंडा हो जाएगा, फिर नीचे जाएगी, ये तेल का जो लेवल है कंजर्वेटर में, तेल का लेवल वापस डाउन हो जाएगा, तो हवा जो जाएगी वो बाहर से हवा अंदर जाएगी, तो हवा में जो नमी है वो सोखती हुई फिर अंदर शुष्क हवा जाएगी। तो ये हो गया आपका सांस लेने वाला, तो ब्रीथर नाम दे दिया। अब ब्रीथर के अंदर क्या होता है, ये सिलिका जेल है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्रेश सिलिका जेली नीले रंग की होती है, जैसा कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के साथ लगा हुआ सिलिका जेली का ब्रीथर है, जिसमें भरा हुआ नीले रंग का, ये फ्रेश है। और जैसे जैसे उसमें नमी आनी शुरू हो जाती है, तो इसका कलर जो है वो हल्का गुलाबी होना शुरू हो जाता है, जैसा कि यहाँ एक दूसरी टाइप का जो दो ब्रीथर लगे हुए हैं, उसमें एक में जो मॉइस्चर है और दूसरे में नया है ब्लू। और तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो ये सिलिका जेल बदलो, या फिर सिलिका जेल को बाहर निकालो और इसको धूप में रखो। क्या करेंगे, इसको खोल के सिलिका जेल को एक थाली में, एक प्लेट में निकाल के बाहर धूप में रख देंगे, या हल्का फुल्का गर्म कर देंगे, तो वापस उसका कलर चेंज हो जाएगा, शुष्क हो गया। शुष्क टेम्परेचर का कोई इश्यू नहीं है, केवल मॉइस्चर निकलनी चाहिए बाहर। जैसे अपने कपड़े सुखाते हैं ऐसे ना, ऐसे ही है, नमी को सुखाना है, जैसे कपड़े सुखाते हैं ना, बस सूख गया तो फिर कलर चेंज वापस लगा देना इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रीथर समझ में आ गया अच्छी तरह। ब्रीथर का काम क्या होता है, अंदर क्या होता है, सिलिका जली, और सिलिका जली वाला कलर कौन सा होता है, ये क्लियर। अगर कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन वगैरह आया तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, तो होगी पूरी। अब दूसरा ट्रांसफार्मर, ये पूरा इस टाइप का रहता है, इसके अंदर क्या क्या होता है ये अपन देखें, इसके बाद अंदर जाकर।